गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे को नई ब्लॉग में। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ खान मार्केट ब्लॉग बनाने और आज है 31 दिसंबर, तो आज ब्लॉग बनाएंगे। कल है न्यू ईयर भाई, कल न्यू ईयर का ही ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ खान मार्केट, तो पहले जाऊँगा मैं चोर बाजार अपने चाचा के साथ। तो चाचा जा रहे हैं आगे अभी, तो चाचा कह रहे भाई मुझे भी साथ ले चल, तो मैंने ठीक है चलो भाई। तो सुबह सुबह के बजे गए अभी 7, तो थोड़ा लेट निकलूँगा पहली बात तो यहाँ से मैं भाई। तो चलते हैं करेंगे एक्सप्लोर, पहले जाऊँगा मेट्रो भाई, हम जाएंगे सीधे यहाँ से मेट्रो से, फिर चाचा को चोर बाजार छोड़ के फिर अपना खान मार्केट। चाचा को लेके अभी आ चुकी है चोर बाजार मार्केट, तो यहाँ पे चाचा लेंगे जैकेट, तो देखेंगे अपने जैकेट। तो देखो जा रहे हैं सामने, तो पहली बात लेट आया था ना मैंने मेट्रो में ब्लॉग बनाया था, क्योंकि इतना कुछ था नहीं मेट्रो में। तो मैं जाऊँगा यहाँ से खान मार्केट चाचा को छोड़ के, फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो पूरे रास्ते भाई चाचा गाने सुनते हुए आते हेडफोन से। ये रही भाई मार्केट, इतना मैं एक्सप्लोर करूँगा नहीं यहाँ पे, और वैसे भी आज पूरा दिन ब्लॉग बनाना है मुझे। तो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे, बार देखो यार बहुत भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे चोरी तो बहुत होती है भाई, जेब काट लेते बंदे की यहाँ पे खड़े खड़े, ऐसा सीन है यहाँ पे। तो भी आगे आगे चलते जा रहे हैं भाई, देख रहे हैं अभी तक तो कुछ लिया नहीं, ना जैकेट ना कुछ नहीं लिया अभी तक तो, और मुझे भी यहाँ से निकलना है अभी खान मार्केट के लिए, तो लेट हो रहा हूँ मैं भी। छोटी सी मार्केट है अंदर, पर सही लग रही है मार्केट ये। अभी चाचा को छोड़ के यहाँ पे, तो मैं लेट होता है, मुझे भी जाना है अभी खान मार्केट, वहाँ भी ब्लॉग बनाना था, तो मैंने कहा भाई चाचा मैं जा रहा हूँ आप यही रहो, तो चाचा को लगेगा टाइम यहाँ पे देखने। तो बहुत लेट हो गया था यार वहाँ पे, चाचा को जैकेट नहीं मिली, तो आधा घंटा तो मैं हो चुका था वहाँ पे। तो अभी जाऊँगा ऐसे खान मार्केट, बहुत लेट हो चुका हूँ, और आज ऐसे पूरा दिन एक्सप्लोर करना, ब्लॉग बनाना ही है, मस्ती वस्ती करेंगे बस। बहुत दूर है विधानसभा से खान मार्केट, करेंगे एक्सप्लोर, चाचा को तो छोड़ ही आए थे वहीं पर ही, तो आज पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे। तो आज मीटअप भी स्पोर्ट्स कार आएगी, देखते हैं चलते हो जाके पता लगेगा। और आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, एकदम लाजवाब मौसम हो रहा है। तो कितनी सारी स्पोर्ट्स कार आ रही है भाई, BMW की M2 क्या लग रही है यार, ब्लैक और पीछे लैम्बोर्गिनी आ रही है, ये जा रही है भाई एकदम। तो मौसम यार मैं लेट हो गया गाइस, तभी मैं कह रहा था लैम्बोर्गिनी हुरैकन, ओ भाई ये देखो भाई क्या सिस्टम था पोर्शे, इसके पीछे दो दो BMW आ रही है, ये देखो यार क्या साउंड है गाइस, एकदम औसम भाई साहब, मजा आ गया देख के। भी स्पोर्ट्स कार आएगी यहाँ पे काफ़ी सारी आएगी संडे के टाइम, तो आज तो भाई आनी बनती भी है क्योंकि कल न्यू ईयर है, तो आते हैं भाई हर संडे को ही। कल तो मैं करने जा रहा हूँ बाथरूम, क्योंकि मैं बहुत तेज के आ रहा है, मैंने रोक के रखा था कंट्रोल करके, क्योंकि भाई मेट्रो में तो मिला नहीं वॉशरूम करने गई, तो अभी यहाँ सामने बना रखा था वहीं जा रहा हूँ। और यहाँ पर भाई इतना मस्त सजा रखा है एकदम, मौसम है दिखाता हूँ यार देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, जैसी मार्केट है ना वैसे ही यहाँ पर बंदे आते हैं पैसे वाले, सही है भाई ये। तो पीछे सारी स्पोर्ट्स कार लगी है, पहले यहाँ की साइड लगती थी बट अब पीछे हो गया, मतलब अपडेट होते रहता कहीं ना कहीं लग जाती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, जो भी है बेस्ट है। तो पहले यहाँ लगती थी भाई, मैंने पहले यहाँ भी बनाई थी वीडियो काफ़ी बार, तो अब पीछे की साइड लगी है। पहले भाई वॉशरूम हो के आ जाओ फिर बाद में करेंगे एक्सप्लोर, क्योंकि बहुत तेज की आ रहा है। यहाँ पर मीटअप छोटा सा, यहाँ पे आ चुके हैं तीन मर्सिडीज़ की AMG, दो तो ब्लैक है और एक तो भाई बंदे ने रैप करा रखी है, बड़ी मस्त लग रही है पीछे वाली, तीनों भाई लुकिंग में एकदम बेस्ट है, ये देखो यार क्या मस्त है गाइस। तो लैम्बोर्गिनी चलेगी यहाँ से, और भी काफ़ी सारी स्पोर्ट्स करा रखी है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये लग रही है एकदम मस्त गाड़ी है, एकदम मौसम है भाई। और ये खड़ी है गुची मस्टैंग भाई, गुची रैप क्या लग रही है यार गाइस, ये पहले भी आई थी इसके लास्ट वीक और अभी भी आ चुकी है भाई, देखो कितनी स्पोर्ट्स कार आ रही है, लाइन बारी से लगी हुई है सारी, एक तो GT मस्टैंग है, उसके आगे OD S5 है, एक AMG बना रखी है बंदे ने मर्सिडीज की नॉर्मल गाड़ी को, मस्त है भाई। और ये होंडा सीरीज की देखो भाई क्या बना रखी है,
और गुची रैप मस्टैंग वो खड़ी सामने। इसमें चल रहा है चैलेंज, इस गाड़ी में 6 बंदे बैठे हैं, तो देखते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव कैसी रहेगी। तो अभी इसका टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं बंदे, तो भाई अभी चला रहे हैं गाड़ी इसको, सारे बंदे वीडियो बना रहे हैं भाई इसकी, इस इलेक्ट्रिक कार के कमेंट। भाई कर पाएगी मतलब बंदों को बिठा के ले जाएगी इस वाली गाड़ी में, तो देखते हैं इसका टेस्ट करेंगे। हाँ बहुत है यार। हाँ भाई काफी अच्छा भाई स्पेस है इसमें, बहुत ज्यादा अच्छा है, बेस्ट है। ओह डोंट डू दैट। तो भाई सारे बंदे मजे ले रहे हैं अभी। एक क्विक राउंड मार के आता है भाई। भाई भाई ने चला दिए लो, ये लो। गाइस मजे आ रहे हैं भाई। ओ तेरी, ओ भाई, ओ भाई साहब, मजा आ गया भाई, एकदम मजा आ गया। ये ले अमेजिंग। सिक्योरिटी गार्ड के सामने से एस क्लास निकल जाएगी, उन्हें देखेगा कहेगा छोटी सी गाड़ी क्या। आ गया भाई इस गाड़ी में बैठ के, अच्छा एक्सपीरियंस था, बट भाई कंफर्टेबल एकदम मस्त है, जो भी है इलेक्ट्रिक है बट कंफर्टेबल है गाड़ी। ये गाड़ी कभी समझ नहीं आती थी कौन सी कार है ये, और भाई कमेंट एकदम मस्त है भाई, एकदम इलेक्ट्रिक कार। पोर्शे आ चुकी है भाई, पोर्शे GT RS3 नाउ इज हियर, एकदम क्रेजी यार। इसी गाड़ी का वेट करते सिर्फ हम, इसी गाड़ी का फाइनली, और ये आ चुकी है पोर्श। आप ये गाइस देख सकते हो GT मस्टैंग वर्स पोर्श GT3 RS, भाई इसी गाड़ी का वेट था जो फाइनली अभी आ चुकी है। नाइस भाई, एकदम नाइस। स्टार्ट हो चुकी है भाई, क्या साउंड है यार, एकदम मस्त। रियर एकदम रियर साउंड है इसका, और इसका देखते हैं कैसा साउंड है। ये गाड़ी इसके लास्ट टाइम जब आया था तो इसी गाड़ी में बैठा था मैं, बाकी भाई क्या मस्त गाड़ी एकदम। तभी दोबारा भैया घूम के आएंगे इसी तरफ। दन, दन, दन। इतना खास नहीं था गाइस इसका, इतना देखना यहाँ पे कितनी सारी स्पोर्ट्स कार आ रखी है, तो आधी स्पोर्ट्स कार तो भाई जा चुकी है यहाँ से। तो अभी थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ खान मार्केट अंदर जाके, तो ये है पूरी खान मार्केट अंदर से, ये देखो इस मार्केट की दुकानें हैं ना बहुत महंगी है भाई, बहुत। यहाँ पे सारे अमीर बंदे आते हैं सारे के सारे, हम जैसे गरीब तो आएंगे नहीं। और अभी भी स्पोर्ट्स कार आ रही है जा रही है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है लास्ट ईयर, तो फिर भाई 2024 आ जाएगा। कल सुबह उठा था गाइस 7 बजे, फिर गया चाचा के साथ लाल किला चोरजार मार्केट, तो उनको जैकेट्स लेनी थी वहाँ पे, तो फिर भाई यहाँ पे पहुँचा था मैं 9:30 बजे पहुँचा था यहाँ पे खान मार्केट। और पहली बार जैसे ही मैं आया था वैसे सारी स्पोर्ट्स कार जा चुकी थी, जो मैन स्पोर्ट्स कार थी लैम्बोर्गिनी BMW M2। बाकी एक बात है भाई, बड़ी मस्त मार्केट है, और यहाँ पे मैं एवरी संडे आता हूँ, क्योंकि संडे को यहाँ मुझे अच्छा लगता है ना। पहले यहाँ होता था मीटअप इस साइड, बट अब पीछे हो गया है, ये अपडेट होता रहता है। ये देखो ये बाहर से कुछ ऐसी है भाई, और पहली बार तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहा हूँ पता है भाई। तो सामने लिखा हुआ है 2024
2024 एकदम मस्त है यार एकदम। स्पोर्ट्स कार तो आ चुकी थी पर स्पोर्ट्स बाइक भी आ चुकी है सामने है, रॉयल एनफील्ड की जीटी और हार्ले डेविडसन। और यहाँ देखो भाई क्या लाइनअप है यार, सारी हार्ले डेविडसन है और एक ट्रम्प है जो क्या लग रही है भाई लुकिंग में। ये देखो एक भी नहीं, कम से कम 7-8 स्पोर्ट्स बाइक है यहाँ पे। चलते हैं यहाँ से क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं सीधा घर पे, कि बैटरी 5% पड़ी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब फाइनली घर आ चुका था मैं, तो सबसे पहले घर आते मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया क्योंकि बैटरी बिल्कुल भी नहीं थी। और इतने मैं घर पे लेट आया था, 12 बजे आया था, मम्मी ने भी भाई गालियाँ सुना ही मुझे कि भाई इतना लेट कहाँ हो गया। तो आते ही फ़ोन चार्ज कर दिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ कमला नगर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कल न्यू ईयर, आज 31 दिसंबर है, तो भाई आज मैं केक बुक करने जा रहा हूँ। तो रात को 12 बजे केक भी काट के आ चुका हूँ विश्वविद्यालय, तो यहाँ से लूँगा रिक्शा कमला नगर के लिए, फिर भाई सीधा वहाँ जाके अपना केक बुक करा देना है न्यू ईयर का। तो ये अपना विश्वविद्यालय देख सकते हो मैं कमला नगर, तो अभी जाता हूँ केक की दुकान पे, वहाँ भाई जाके केक ऑर्डर भी कराना है। तो चलते हैं पहले देखते हैं जा केक की दुकान पे, तो देख सकते हो कितने सारे केक हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे फ्लेवर हैं। तो सबका प्राइस भी लिखा हुआ है, तो केक समझ नहीं आया, तो अभी एक और आगे दुकान तो वहाँ जाके देखते हैं, अभी चलते हैं वहाँ पे, सबके प्राइस लिखे हुए हैं बाकी अनेरी केक की। तो यहाँ पे है भाई काफ़ी सारे केक, भाई ये वाला केक ले रहा है, इन दोनों में से कौन सा ले, देख समझ नहीं आ रहा भाई कुछ भी अभी, इसमें नाम कहाँ आएगा भैया। तो ये दोनों केक भाई सही लग रहे हैं मुझे, तो इनमें से अभी एक ही देखते हैं। पहली वाला केक लिया है, ये चोकोबार मस्त है, बाकी और भी काफ़ी सारे केक है यहाँ पे, सबके प्राइस लिखे हुए हैं भाई सबके। तो ये 350 का, ये इस पर लिखवाएंगे हैप्पी न्यू ईयर, आगे काउंटर पे देनी है इसलिए। ये लो भैया ले लिए वाला चोको चिप वाला सामने, और ये इसकी स्लिप, मैंने केक ऑर्डर कर दिया है तो मैं शाम को जाऊंगा, ये इसकी स्लिप। तो अभी चलते हैं कमला नगर थोड़ा घूमने, कमला नगर मार्केट जो भाई बहुत फेमस मार्केट, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है ये, काफ़ी सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। चलो कमला नगर के मॉल के अंदर, तो यहाँ देखो भाई कितना मस्त लग रहा है भाई, काफ़ी अच्छा मॉल है ये, और अभी तक ये लगा के रखा होगा क्रिसमस का। ये बाहर की साइड, इसके बाहर भी सही है भाई, मज़ा आ रहा है, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये कुछ ऐसा है, बड़ी मस्त मार्केट है कमला नगर मार्केट, एक नंबर है। तो पहले तो मैंने केक का ऑर्डर किया था, तो मैं मॉल में आ गया था बैठने के लिए, एक आधा घंटा मैं बैठा मजे मजे किए, और अब जा रहा हूँ दोबारे केक लेने, फिर सीधे घर से ले जाएंगे। और अपना केक रेडी, मेरी भाई इसकी पर्ची, काफ़ी सारे केक यार, ये 1 किलो का है, ये 1/2 किलो का है, सबका रेट अलग अलग है। हो गया, इसका कुछ करना है अंकल? नहीं नहीं, फेंक दूँ? ये लो, ठीक है, थैंक यू अंकल। मैं बहुत दिक्कत हो रही है घर तक, देखो भाई कैसे हाथ में पकड़ के ले जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से लूँगा रिक्शा, तो मैंने लेकर कमरा कर से रिक्शा, तो मैं थोड़ा मेरी खुशी चाले, तो अभी यहाँ से लेकर दोबारे भाई बहुत दिक्कत हो रही है केक ले जाने में। ये भाई और केक भी ले सही सलामत, तो अभी ये देखते हैं भाई केक को कुछ हुआ तो नहीं है ना, क्योंकि रिक्शे में आ रहा था। केक खोलते हैं, तो ये हटाते हैं, देखते हैं कुछ हुआ तो नहीं है इस केक को। ये बहुत ओ भाई फाइनली कुछ नहीं हुआ केक को, बस थोड़ा सा यहाँ पे लग गया था इस साइड, और बाकी एकदम परफेक्ट है। हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी न्यू ईयर, आज गाइस मम्मी का बर्थडे है, गाइस कल मम्मी का बर्थडे है, तो आज रात को 12 बजे केक काटेंगे, और मम्मी जी भी यहाँ बैठी है, इसलिए एडवांस मम्मी को कह देते हैं हैप्पी बर्थडे। तो अभी केक रखते हैं इसको दोबारे पैक करके, तो रात को इसको काटेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस, किसी काम से आ रहा हूँ, तो फिर जाऊँगा भाई कनॉट प्लेस ब्लॉग बनाने के लिए, और कल हो जाएगा भाई न्यू ईयर, तो आज तुम्हारा भाई केक भी ले आया है न्यू ईयर का, फिर काटेंगे इसको रात को 12 बजे। तो अभी चलते हैं, फिर बाद में मिलेंगे सीधा अपनी नई लोकेशन पर। मैं भाई आ चुका अभी मेट्रो, तो यहाँ से चलते सीधा कनॉट प्लेस, तो टोकन भी ले लिए,
तो अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो चलते हैं भाई एक्सप्लोर करेंगे कनॉट प्लेस को भी। जा चुकी है अपनी मेट्रो, फुल स्पीड में है भाई। मेरे साथ तो भाई बहुत तगड़ा पोपट हो चुका है। एक्चुअल में क्या है, आज कनॉट प्लेस बंद था, जो कनॉट प्लेस की जो एंट्री थी पूरी बंद थी, तो भाई आर के आश्रम गया, तो आर के आश्रम से भाई रिक्शा बुक करा के तब यहाँ कनॉट प्लेस पहुँचा हूँ, और देखा तो यहाँ पे ये भी अभी पूरा बंद हो चुका है। मतलब मेरे आने में कोई फ़ायदा वो नहीं हुआ यहाँ पे भाई, क्योंकि पूरा बंद हो रहा है। देखो बैरियर लगा रखे हैं सामने, और वीडियो नहीं बनाने देंगे भाई, पकड़ लेंगे डंडे मारेंगे इतने पुलिस वाले। आज पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, तो कह रहे 2 दिन के लिए भाई कनॉट प्लेस बंद रहेगा, कनॉट प्लेस की एंट्री 9 बजे रात को बंद हो जाएगी। तो अभी वीडियो बनाने में इतना लाउड नहीं है, पता नहीं क्या हो गया भाई। और बाकी अभी थोड़ी बहुत पब्लिक है, भीड़ है, बट इतना पूरा कनॉट प्लेस बंद हो रहा है, यहाँ पे से लोग भी जा रहे हैं और मेट्रो स्टेशन भी बंद हो रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वीडियो तो इतनी बना नहीं सकता यहाँ पे। ये देखो पुलिस वाले जा रहे हैं भाई, वीडियो नहीं बना सकता, तो धर लेंगे हमें भी साथ में, पर थोड़ा सिक्योर होके। धीरे धीरे यहाँ से बंदे भी सारे निकल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले सारे हैं भाई। और अभी यहाँ क्लब भी खुले हैं रात के टाइम, ये देखो कितनी भीड़ है भाई अभी है, बट अभी धीरे धीरे सबको भगा रहे हैं यहाँ से। मैं तो भी चला जाऊँगा गाइस आधे एक घंटे में। ये देखो भाई यहाँ पे पुलिस वाले आ चुके हैं, तो यहाँ भी बंद करा रहे हैं भाई, तो धीरे धीरे यहाँ से सबको भगा रहे हैं। अभी न्यूज़ रिपोर्ट रहते हैं, उनको ही भगा दिए, यहाँ पे इतने पुलिस वाले हैं देख सकते हो भाई, इधर इतना क्राउड रहता है, यहाँ पे सबको भगा दिया। ट्रांसजेंडर है भाई, जितने भी थे बंदे सब मस्ती करे, पुलिस वाले आए इनको सबको भगा दिया। और ये अभी मेट्रो ही बंद हो रही है यहाँ पे, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं आया तो पहले उन्हीं को देखने लग गया था भाई, ये ट्रांसजेंडर अपनी अपनी बातें कर रहे थे अपनी मस्ती में भाई, मस्त थे बंदे ये। देखो पूरा कनॉट प्लेस भाई खाली हो चुका है इस टाइम रात को, ये सिस्टम हैंग हो रखा है भाई यहाँ का, पूरा कनॉट प्लेस गाइस खाली हो चुका है। तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारे लिए है यहाँ ब्लॉग बनाने के लिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि ऐसे सिस्टम चलेगा नहीं। देखो इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे बहुत। तो एक बंदा मिला था, तो राहुल नाम था, बट वो ट्रांसजेंडर था, तो उससे थोड़ी बहुत बातें की, तो तारीफ़ करा था मेरी, मैंने भी उसकी तारीफ़ करती हुई चढ़ा दिया भाई बंदे को पूरा, तो यही सीन था बस थोड़ा बहुत। तो उसी में टाइम लग गया, तो बातें बातें करे जा रहा बंदा वो, तो तुम्हारा भाई उसको ठस्सा दे के आ गया। बाकी गाइस यहाँ पे आज भाई पार्टी वार्टी होगी, जैसे कि आज 31 दिसंबर है, कल न्यू ईयर मतलब 1 जनवरी हो जाएगा कल, और यहाँ पे बार बार खुले हुए हैं कैफे क्लब खुले हुए हैं यहाँ पे रात के टाइम। तो यहाँ पे अभी सिर्फ वही बंदे घूमते हैं जो यहाँ पे भाई अटेंड करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि भाई हम पे इतना टाइम है नहीं ना इतना पैसा जो कर सके इतना यहाँ पे, क्योंकि मैन तो होता है गाइस टाइम, तो वो टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे क्लब खुले हैं, तो यहाँ बंदे भाई पार्टी वार्टी करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे, और तुम्हारा भाई यहाँ सिंगल व्लॉग बना रहे सिर्फ तुम्हारे लिए रात को। और 10:30-11 का टाइम हो रहा है यहाँ पे, वो ठंड इतनी लग रही है, पर क्या करें व्लॉग भाई पूरा बनाना होता है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है भाई कनॉट प्लेस। तो चलते भी आगे की साइड। आप में से कोई बंदा कभी भी है रात के टाइम कनॉट प्लेस, तो इतना मत यहाँ पे रहना रात के टाइम खासकर, क्योंकि यहाँ स्कैम हो जाता है, और बंदे अच्छे बुरा रहे ट्रांसजेंडर जैसे यहाँ पे बंदे, और भी काफ़ी सारे बंदे होते हैं जो भाई आपका स्कैम कर देंगे यहाँ पे 2 मिनट में। तो यहाँ इतनी रात को मत रुकना। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर, क्योंकि मुझे घर जाके भी व्लॉग बनाना है, एक्सप्लोर करना है, और न्यू ईयर का केक भी काटना है, जो केक लेके आया था दिन में। जस्ट अभी घर आया हूँ, 9 बजे निकला था कनॉट प्लेस के लिए, तो 11:30-11 बजे घर आया हूँ, इतना लेट हो गया था। और वहाँ मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले सबको भगा रहे थे। तो एक तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये लगी मुझे, मुझे एंट्री नहीं मिली कनॉट प्लेस में, तो उससे एक आगे स्टेशन जाना पड़ा राजीव आर के आश्रम स्टेशन, तो वहाँ से मैंने भाई रिक्शा करा के तब मैं पहुँचा कनॉट प्लेस। बाकी पोपट बन गया दिमाग का भाई, एकदम मूड ऑफ हो गया था, तो फिर लेट भी काफ़ी हो चुका था मैं। तो अभी 11 बज रहे हैं, तो 1 घंटा रह गया भाई 12 बजने में, और फिर केक काटेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, आप भी करना अपनी फैमिली अपने दोस्तों के साथ, और केक भी काटते हैं अभी, तो चलते हैं अभी। और वैसे मेरी फ़ोन की बैटरी भाई ख़त्म हो चुकी है पूरी अभी, तो अभी चार्ज करूँगा थोड़ा बहुत, फिर बाद में ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। गाइस अभी 1 मिनट रह गया भाई 12 बजने में, तो जैसे ही 12 बज जाएंगे भाई हैप्पी न्यू ईयर। और अभी देखो अभी मैंने केक भी भाई पूरा रेडी कर दिया है, तो अभी ताने जला रही है केक को, सिर्फ 1 मिनट रह गया गाइस 1 मिनट। और फिर और आज पहली बात तो वैसे ही मम्मी का बर्थडे है, और मेरा ही बर्थडे है मम्मी, 12 बज चुके हैं, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, हैप्पी बर्थडे मम्मी, आज मम्मी का ही बर्थडे है गाइस आज।
और मम्मी का बर्थडे तो है आज और मेरा भी बर्थडे है, तो हैप्पी न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो केक भी रेडी हो चुका है, तो अभी केक काटेंगे। तो मम्मी जी केक काटो पहले तो आप, और हैप्पी न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करो साथ में। भाई मज़ा आ गया भाई, देखो तानिया तानिया हैप्पी न्यू ईयर, ये देखो ये भाग रही है यहाँ से। गाइस हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, देखो तारों में भाई बंदे पार्टी वार्टी कर रहे हैं, वो भी सेलिब्रेट करें भी हैप्पी न्यू ईयर। ये देखो सब बंदे भाई मस्ती वस्ती कर रहे हैं, और आज बंदे का बर्थडे, तभी देखो भाई वहाँ पे केक वेक काट रहे हैं, और आज मम्मी का बर्थडे मेरा बर्थडे है तो हम घर पे सेलिब्रेट करेंगे। चलो मम्मी जी केक काटो अब। तो मैं तो गाइस मैं अपना कल बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि मैं एक ही केक लाया था। तो गाइस मैं एक ही केक लाया था जिस पे मैंने लिखवा रखा है हैप्पी बर्थडे मॉम, और एक पे हैप्पी न्यू ईयर, तो एक ही केक पे मैंने दोनों लिखवा रखा है। तो लो, तो ये मम्मी केक काटेगी भाई, लो। और मम्मी नींद में हो रही है पहली बात। चलो भाई एक सेकंड, ठंड इतनी हो रही है ना गाइस बहुत। चलो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मॉम। तो गाइस आज मेरे पापा नहीं आए, आज मेरे पापा भाई बिजी थे, किसी काम से गए थे, तो इसलिए अभी हम ही तीनों सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे भी, हैप्पी न्यू ईयर भी, और आप भी सेलिब्रेट करिए अपने दोस्तों अपनी फैमिली के। तो भी मैं भी खिलाता हूँ भाई केक थोड़ा सा, नाइस। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मॉम, हैप्पी बर्थडे मी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, जितने भी आस पड़ोस के सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना पड़ेगा। सर हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई जितने भी यहाँ से रहेंगे सबको रुक रुक के कहूँगा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अजय भाई हैप्पी न्यू ईयर, पार्टी हो रही है यार अंदर तो। अरे मच्छी का बर्थडे है ना आज, बियरें वीरे चल रही है भाई, चिल करो भाई। आज गाइस एक बंदे का बर्थडे है तो भाई बियर चल रही है, दारू वारू फुल चल रही है, मेरी शायद उसका केक भी काट दिया शायद। यार लकी टाइम पे यार बर्थडे है ना तो वो अलग ही बात है यार, न्यू ईयर के टाइम बर्थडे। थोड़ा दूर हो जा। एकदम मौसम था यार मजा। सो गाइस अभी इसको लैंप को जलाएंगे, बहुत मुश्किल से जलाया इसको, इसको छोड़ देंगे। छोटी देख, ओए 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 छोटी देख, वो पूछी जा भाई, बहुत मुश्किल हो रहा है इसको यार, आग नहीं लगता। छोड़ के तो देख एक बार, सारा छोड़ दे। अरे यार अरे भाई बहुत मुश्किल है, इसमें आग लग चुकी है यार। छोड़ दे एक बार, शायद चल। तो की उड़ी रहा फाइनली भाई, उड़ा ही दिया यार इस भाई की भाई पूरी वो है भाई, जो भाई ने उड़ा दिया लैंप पे भाई। किसी के घर में आग ना घुस ना जाए भाई कभी, ये जा कहाँ रहा है ये? अरे अरे देख गाइस देखो कहाँ जा रहा है ये, उसमें आग बड़ी तगड़ी लगी हुई है, दिख तो रहा है पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई। इसको हवा लगेगी तभी ना। एक तो उड़ा दिया हमने लैंप, तो एक रह गया, तो भाई वो बहुत मुश्किल से उड़ा था ऊपर, वो पूरा नीचे आके फिर ऊपर गया। तो अभी इसको भी उड़ाते हैं, अब इसकी बारी लास्ट। थोड़ी दिवाली को लाया था और अभी तक पड़े हैं मेरे पे, और एक आलू बम का डब्बा पड़ा था जो मैंने अभी तक नहीं फोड़ा, बट पूरा ख़त्म आज, इसका फाइनल है आज भाई। हाँ ये वाला लैंप जलाएंगे, तो ये लास्ट पे आ चुका है अभी। एक तो उड़ा दिया इन भाई ने, तो अभी ये रह चुका है, इसको जलाएंगे। इसका ये रहा भाई, इसका ये मोम क्या कहते हैं इसे, ये मोम ही है ना ये। हाँ तो गाइस अभी इसको उड़ा रहे हैं फिलहाल। छोड़ हवा लगी नहीं लगी, हवा छोड़ तो मेरे छोड़, भाई तू तो छोड़। हाँ लग गई हवा, रुक जा। जिंदगी ऊपर मोम गिर रही है, उसकी जैकेट जल जाएगी, इसको ध्यान ही नहीं है। ये देखो
छोड़ नहीं नहीं अभी नहीं छोड़ना, अभी इसमें आग नहीं लगी ढंग से। अबे कहाँ फटा है बे? अभी नहीं कुछ नहीं हुआ इसको फिलहाल, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आग लग रही है, लग रही है, लग रही है यार, नहीं हुआ नहीं। अरे भाई गिरा दिया इसको मोए मोए के चक्कर में। अबे यार ये तो भाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, प्यार मोहब्बत वाली लड़ाई हो रही है इनकी, और वो चला गया भाई वो। अबे क्यों कर रहा है वे चमक। सो गाइस फाइनली दोनों लैंप जला दिए और दोनों लैंप का भी मोए मोए हो गया था, और दोनों जल के अलग अलग जगह गए हैं, और एक भाई दोनों ने पर तंग कर दिया था, बहुत मुश्किल से जल के गए हैं भाई आसमान की तरफ। तो आप बताना आपको व्लॉग कैसा लगा न्यू ईयर का, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।